अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चीज़ कटलेट। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये कटलेट बनकर के तैयार होगा। तो चलिए अब हम फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने 250 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं और इसे हम हाथों से इस तरह से फोड़ लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर भी ले सकते हैं। और ये देखिए, आलू हमारा अच्छे से मैश हो गया। हम इसमें आधा आधा चम्मच लहसुन अदरक डाल देंगे, एक कटी हुई बारीक प्याज डाल देंगे और कुछ मसाले ले रहे हैं, एक चम्मच पीसी लाल मिर्च, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा भुना हुआ कुटा हुआ और आधा आधा चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक और फिर हम एक मुट्ठी पुदीना डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास धनिया की पत्ती हो तो आप धनिया की पत्ती डाल दें और इन सबको डालने के बाद अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो ये देखिए, हमारा जो है आलू खूब अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम जो है मैदे का घोल बना ले रहे हैं। तो हम यहाँ दो चम्मच मैदा लेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच हम नमक लेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा कम, और इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका जो है घोल बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला या गाढ़ा घोल नहीं हमें बनाना है, बस इसी तरह का हमें घोल बना लेना है। ये देखिए, ये स्लरी तैयार हो गया हमारा। और अब जो है हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और ये आलू का जो हम थोड़ा सा हम आलू लेंगे और इस तरह से हथेली पे हम इसे फैला लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे हम चीज़। तो हमारे पास ये चीज़ क्रम है, हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और अगर आपके पास स्लाइस वाला चीज़ हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर चीज़ नहीं भी है तो आप बगैर चीज़ का भी बना लें, अच्छा लगेगा वो। तो इस तरह से ये देखिए, रोल कर दिया हमने इस तरह से, ये देखिए अब हमारा तैयार हो गया है। और अब हम जो है ये देखिए, हमने बना लिया है इसे और अब हम इसमें जो इसको हम मैदे के घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम में इसे हम अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से हम जो है सबको जो है पहले स्लरी में डिप करेंगे और फिर जो है ब्रेड क्रम में अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से हम जो है सबको तैयार कर ले रहे हैं बना करके। आप इस तरह से बना करके आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, आप ज़िपलॉक बैग में इस तरह से करके रख लें तो आप जो है हफ्ते 10 दिन तक आराम से फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने जो है इसे इन सब को जो है अच्छे से ब्रेड क्रम में कोटिंग कर लिए है इसके। और अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो यहाँ हमने जो है कढ़ाई में रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और इन सबको इसमें डालेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं, हल्के मीडियम आंच पे ही हम इसे जो है फ्राई करेंगे और उलट पलट कर अच्छे से चारों तरफ से हम इसे जो है गोल्डन कलर का फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, अब हमारा जो है ये बन करके तैयार हो गया। हम इसे निकाल लेंगे और दोबारा से फिर हम इसमें डाल देंगे, हमने ये जो है टिक्की के शेप में बनाया था, और इसे भी उलट पलट कर हम दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो है आलू चीज़ कटलेट बनकर के तैयार हो गया है। कितना झटपट बना है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी अपने इफ्तारी में इसे बनाना ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।